देश में लागू हिट एंड रन कानून में किए गए बदलाव का मध्य प्रदेश में जमकर विरोध हो रहा है। इस कानून के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में बस ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है। नए साल के मौके पर जहां लोग घूमने निकलते हैं, वहीं आज अधिकतर जिलों में बसों के पहिए थमे हुए रहे, तो वहीं इससे शहरवासियों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जो अपने निजी वाहनों से भी घरों के बाहर निकले, उन्हें पेट्रोल भरवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कानून को लेकर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने जो ये आदेश जो पारित किया है ना, ये जनता जनार्दन के पक्ष में करा है। सड़क हादसों में जो परिवार के लोग मर जाते थे ना, उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। सड़क पे दुर्घटना करने के बाद किसी का बेटा मर जाता था, किसी का पति ड्यूटी से आ रहा है तो एक्सीडेंट में वो खत्म हो जाता था। खत्म होने के बाद उस परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती थी। अगर सरकार ने कुछ चीज तय करी है तो वो ठीक करिए और निश्चित तौर पर मिलके बैठ के चर्चा करनी चाहिए। लग रहा है ये हड़ताल होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए। तो आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, गेट लगा दिए हैं पेट्रोल पंप पे, बहुत भीड़ हो रही है। आराम से लाइन पेट्रोल ले ना, बस खाली डीजल के लिए लड़ झगड़ के लगवाए हैं। परेशानी हो रही है बहुत, नहीं होगी यार। शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप पर कल से ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी, लेकिन आज सुबह से ही पेट्रोल पंप पर ये कतारें और ज्यादा लंबी हो गई, क्योंकि आज बसों के साथ ही मालवाहक ट्रकों के पहिए थमे रहे। शहर के बाहर ही ट्रकों की लंबी कतारें देखने को मिली। ऐसे में देखना है कि ट्रक चालकों की हड़ताल कब खत्म होती है और नए कानून को लेकर अब अगला रुख ट्रक चालकों का क्या रहता है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।